वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत सहजानंद ब्रह्मर्षि कॉलेज के 54वें स्थापना दिवस सह स्वर्ण जयंती समारोह पर राष्ट्रकवि दिनकर की कालजयिता और प्रासंगिकता विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन रविवार को हुआ। दूसरे दिन कार्यक्रम दो सत्रों में आयोजित हुआ। अध्यक्षता प्रोफेसर बलिराज ठाकुर ने की। अतिथि के रूप में पूर्व छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर के सिंह, भोजपुरी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिवाकर पांडे और जनार्दन मिश्र थे। मुख्य वक्ता रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेबी पांडे थे। प्रोफेसर के सिंह ने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर जनमानस के कवि थे। प्रोफेसर दिवाकर पांडे ने कहा कि दिनकर ने कुरुक्षेत्र और उर्वशी में जीवन के शाश्वत प्रश्नों पर विचार किया है और उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर बलिराज ठाकुर ने कहा कि कविता की श्रेष्ठता को बरकरार रखते हुए दिनकर ने लोकप्रियता हासिल की। संचालन डॉक्टर श्वेता और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सद्दाम हुसैन ने किया। मौके पर डॉक्टर आनंद भूषण, डॉक्टर कौशल्या शर्मा, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर रचना, डॉक्टर साधना, डॉक्टर नीतू, डॉक्टर मिथिलेश कुमार गिरी, डॉक्टर वेंकटेश्वर चौधरी, डॉक्टर उमेश कुमार राय, डॉक्टर आदित्य, अधिवक्ता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण राय, सुनील कुमार, डॉक्टर जनार्दन राय, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अशोक तिवारी, डॉक्टर राधिका रमन, डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर मुन्ना, भरत सिंह, रमेश राय, कृष्ण भास्कर, सुमीर शर्मा, ललन आदि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दूसरे सत्र में शोधार्थी और शिक्षकों ने अपने पेपर को प्रस्तुत किया। कॉलेज की पत्रिका सहज और दिनकर पर आधारित स्मारिका का विमोचन हुआ। डॉक्टर मीरा देवी की लिखित पुस्तक प्राकृत सट्टकों में सौंदर्य तत्व का विमोचन उद्घाटन सत्र में कुलपति सहित अन्य अतिथियों ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गीत संगीत और नृत्य की प्रस्तुति की। इस दौरान लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा का बखान भी किया गया। अमित कुमार सिंह, दिव्यांशु, पीयूष सुंदरम, मीरा कुमारी, अपूर्वा व अन्य मौजूद रहे। तो ऐसे ही हमारे बीच मौजूद एक बहुत ही प्रतिभाशाली प्रोफेसर डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी, जो आज के कीनोट स्पीकर अर्थात मुख्य वक्ता भी हैं। सर रांची यूनिवर्सिटी से हैं और हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए सर को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। ततो जयम उदीरिये, जय हो जग में चले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस है भूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल,